अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस अग्निपथ योजना के संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शनिवार को विकास भवन में एक अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों पूर्व सैनिकों से एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया गया तथा उक्त पत्र में उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में बिंदुवार चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों पूर्व सैनिकों द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में सुझाव कमियों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित XJWOB के सिंह ने अग्निपथ योजना को बहुत अच्छी योजना बताते हुए यह भी बताया कि जब 6 माह का प्रशिक्षण होने के बाद या सैनिक अनुशासन व देशभक्ति से ओतप्रोत होंगे तथा 4 साल सेवा पूर्ण किए जाने के उपरांत या देश सेवा के जज्बा लेकर जब बाहर आएंगे सभ्य समाज के लिए अच्छा होगा। बैठक में उपस्थित एक्स ऑनरेडी कैप्टन सत्यनारायण पासी ने अग्निपथ योजना को बहुत अच्छी योजना बताई। उन्होंने यह भी बताया कि 4 साल सेवा के उपरांत 75% सैनिक जो विभिन्न सरकारी प्राइवेट सेवा में पुनर्नियोजित होंगे वहां की कार्य प्रणाली में काफी सुधार रहेगा। बैठक में उपस्थित एक्स भास्कर पांडे द्वारा अग्निपथ योजना को बहुत अच्छी योजना बताई गई। उनके द्वारा इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि उनके मन में आशंकाओं का निवारण हो सके और वह राष्ट्र हित में अपना योगदान दे सके। बैठक में उपस्थित एक्स ऑनरेडी फ्लाइंग ऑफिसर उमेश कुमार सिंह द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही समय पर सही कदम बताया और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारतीय सशस्त्र सेनाएं किसी भी युद्ध के समय में अच्छी सेना साबित होगी जिसके पास युवा और प्रशिक्षित सैनिक होंगे जो किसी भी विकट परिस्थिति हेतु तैयार रहेंगे। बैठक में उपस्थित एक्स सूबेदार मेजर रमन दुबे ने केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के संबंध में कहा कि 4 वर्ष की सेवा के उपरांत यह सैनिक सिविल सेक्टर अर्धसैनिक बल राजकीय सेवा आदि में जब सेवारत होंगे वहां का कार्य प्रकृति में काफी बदलाव होगा जो देश हित के लिए काफी श्रेयस्कर होगा। उन्होंने अपने सैन्य सेवा के उपरांत सिविल सेवा के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह रिटायर्ड सैनिक सिविल सेवा में एक बदलाव का जरिया होंगे जो देश हित में होगा। बैठक में उपस्थित एक्स सूबेदार मेजर के सिंह द्वारा अग्निपथ योजना को अच्छा बताया और कहा कि आंदोलनकर्ताओं को योजना के बारे में एक व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हुए विस्तृत रूप से अवगत कराया जाए ताकि जो लोगों के मन में गलत भावनाएं जागृत हो रही हैं के ऊपर बल मिल सके। बैठक में उपस्थित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा अग्निपथ योजना के दृष्टिगत सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारीगण को उक्त योजना के संबंध में विस्तृत उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया गया कि भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवक जहाँ ट्रेनिंग के लिए उपस्थित होते हैं वहां पर उक्त योजना के संबंध में बताते हुए उनको मानसिक रूप से मजबूत किया जाए तथा उसकी एक कार्य योजना बनाकर व समन्वय बनाते हुए शांति व्यवस्था स्थापित किया जाए जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो सके, जिसके लिए निचले स्तर जैसे उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी थानाध्यक्ष संबंधित अधिकारी पूर्व सैनिक ग्राम पंचायत नगर निकाय से संवाद बनाकर समुचित प्रबंध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों पूर्व सैनिकों को यह अवगत कराया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में सोशल मीडिया की बहुत अहम भूमिका रहेगी जिसके लिए आप सभी फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप सैनिक प्रशिक्षण केंद्रों पर उपस्थित होकर इसके महत्व के संबंध में बताते हुए कार्य शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की आवश्यकता है। स्वयं द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में अवगत कराते हुए यह अपेक्षा की गई कि छात्रों को समझा बुझाकर व सावधानी व सूझबूझ के साथ समाधान कराएं व सड़क पर एकत्रित न हो तथा छात्रों के रूप में छिपे अराजक तत्वों को चिन्हित किया जाए तथा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए एवं सोशल मीडिया पर सूक्ष्मता से निगरानी रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अशांति व्यवस्था न फैलने के संबंध में आप लोगों द्वारा स्थानीय एवं जनपद स्तर पर बैठक कराकर अवगत कराया जाए। भीड़ बढ़ाना माहौल बिगाड़ना किसी भी दशा में ना हो ना तो आंदोलनकारियों के हित में होगा और ना ही सामाजिक हित में होगा। आप लोग बच्चों में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराएं। विभिन्न स्तर पर
अलग अलग संस्थाओं द्वारा संवाद किया जाए और सही जानकारी दी जाए। जब तक बच्चों को इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं रहेगी तब तक यह समस्या बनी रहेगी। 4 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरांत 75% सैनिक एक प्रशिक्षित अनुशासित व्यक्ति रहेंगे, जिसका लाभ औद्योगिक, सामाजिक आदि सेवा क्षेत्रों में काफी हितकर साबित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा, पहले 6 महीना में अग्निपथ से गुजरा है, अग्निपथ के नाम किया बहुत ही खुश हुए की लगता है। अग्निपथ से सब लोग गुजरे कि उनमें पहले भावना आ जाए, आम से ट्रेनिंग जाए, बेसिक उनको कल्चर कैसे रखना है, इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड का है। लेकिन होता क्या है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ। ओला से लेकर के ईपीगंज तक जितने आईटीआई सबके इंचार्ज आईटीआई जितने प्राइवेट स्कूल है, जब तक 60 लड़कों का क्लास है, 60x300 जब तक इकट्ठा नहीं होता था, जब तक उनके टेबल पैसा नहीं पहुंचेगा तब तक उनका एग्जाम कराने के लिए शुरू नहीं करता है। सबको इंटेक पता है, जितने भी रेजिमेंट से, बटालियन से, स्क्वाड्रन से, विंग से, सीप से, सबको पता है कि मेरे बटालियन का इंटेक 25 बंदे होंगे। 25 को वो आएंगे कब, वो तो बहुत देर की बात है, पहले से उन्होंने बना के रखा हुआ है, मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के रखा है कि 25 आएंगे तो मतलब कि ये ड्यूटीज होगी, वो ये करेगा, सब कुछ क्लियर है पहले से। और जिस चीज की ड्राफ्टिंग मानिए 4 साल पहले से चल रही हो, इतने जनरल्स लगे हों, इतने सिविलियन अफसर्स हैं, इतने सेक्रेटरीट वाले हैं, उसमें कुछ भी छूटा नहीं है। बस गवर्नमेंट तरफ सिर्फ एक चीज छूटा है, पहले से इसको जो है प्रचार प्रसार नहीं किया गया, इसके सारे जानकारी नहीं उनको दे पा रहे हैं। ये तो आज 21 साल 22 साल में कोई भी शिक्षा किसी भी तरह का CIT, CLT, CGS कोई भी होता 21-22 साल में 11-12 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकता है। सबके दिल में हो गया ना कि क्या हो गया, बाद आ जा रहे हैं साहब, हम पैसे से अपना व्यापार कर सकते हैं, अपनी और शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं, अपना कोई छोटे मोटे कंपनी हो जो भी है उनको बैठा करके लोगों को शिक्षा प्रशिक्षण दे सकते हैं। ये 4 साल में सबसे बड़ी ये बात हमारी होगी कि हमारी जातीयता कोई नहीं होगी, हमारे पास छोटे बड़े का अधिकारी असरों का लिहाज होगा, किस बैठक से किससे बात किया जाए, ये सबसे बड़ी ये जो हमको है ये 4 साल बाद वाली बस के लिए बच्चों को। तो जैसे हमारे जो लोग हैं जो ये हमारे अकाउंट से जुड़े हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे अग्निपथ के बारे में, आप सब लोग इतनी सर्विस किए हैं, आप क्या बताना चाहेंगे, आप बताएं हमारे इन, ये पोस्ट में करूंगा वीडियो बताएं हमारे और डीएम साहब के अकाउंट से, क्योंकि हमारे लाखों लोग देखते हैं, आप जो बताएंगे आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंचेगी, सही है गलत है जो भी है पक्ष वो आप बताएं। अग्निपथ जो है साहब, जब हम 40 साल 48 साल 42 साल में आकर के जब हम सर्विस करके दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम साहब वो साहब सिग्नल से रिटायर्ड होकर के आए हैं 19.5 साल की सर्विस करके, और दोबारा हमने आरपीएफ में फिर 20 साल किसी गोरखपुर प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर रेलवे में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और वहाँ करने के बाद हमको आज फिर 1 साल होने वाला रिटायर्ड हो, आज हम 64-65 चल रहे। तो अगर ये 21-22 में आ रहे हैं तो आपको क्यों नहीं जॉब मिलेगा, हमारी क्षमता बढ़ती है जॉब करने के लिए, हम क्यों नहीं, हमारे पास कमी क्या है उसको दूर करने के लिए हमारे पास ताकत आएगी। अब उसके बाद से हम मन प्रकार की प्राइवेट से लेकर के सरकारी जॉब में जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सारी। तो हमको आकर के जब हमको 42 साल में आप ले रहे हैं तो मुझे न्यू एग्रीमेंट में क्यों नहीं लिया जाएगा। सर मेरा कहना है आपके अकाउंट के साथ ऑनेस्टी तो प्राइवेट लोगों तक जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए आपके और बहुत आभार। सर पेंशन तो खत्म हो गई है, एक और इशू है ना, मेरा नाम लल्लन शर्मा, ये अग्निपथ जो सरकार का चलाया हुआ कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अगर यही काम जो पहले था इसका प्रचार प्रसार करके किया गया होता ये बहुत ही अच्छा होता। जैसे मिलिट्री में सारे लोग रिटायर होने के बाद से उनका भी कोटा होता है 35%
पहले का ये हमारा नियम है सरकारी गवर्नमेंट का, यह भी जो बच्चे अगर 4 साल के बाद 75% जो बैंक होंगे फिर भी उनको यह जॉब किसी भी जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कहीं भी फिर अपना फॉर्म भर के जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कहीं वो नहीं होंगे, उनका भी भविष्य एकदम उज्ज्वल है, लेकिन यह समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत लोग इसको मिसगाइड करके वो कर रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा है गवर्नमेंट का प्लान और बच्चों को इसमें आना चाहिए और सारे गार्जियन अभिभावकों को यह सलाह देनी चाहिए कि आप लोग गलत कदम न उठावें, इसमें एकदम जाएं और प्रेम से नौकरी करें और देश की रक्षा में लगे। अग्निपथ अग्निवीर जो सरकार ने लागू किया है इसको नौजवान बच्चे इसको अमल में लाए, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेना की नौकरी करेंगे, अनुशासन बनेंगे, अनुशासन से हमारा देश मजबूत होगा। कभी भी जवान भ्रमित न हो कि हमारी 4 साल की नौकरी में आप बाहर निकलेंगे इसको आपका फायदा मिलेगा, हर जगह आपको अच्छी नौकरियां मिलेगी और एक अनुशासन बनेंगे, देश तरक्की करेगा। इसलिए नौजवान बच्चों आप लोग जो है भ्रमित मत हो। मैं सुधार मेजर अभिनंदन मिश्रा बोल रहा हूँ। जो अभी सरकार की पार्सी अग्निपथ है अग्निवीर के लिए जो तैयारी की जा रही है एक आगे चल के अभी तो उनको भ्रमित हो रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिस समय जो 25% लोग मौत में रह जाएंगे उनको उनका क्वालिटी रहेगा, लेकिन जो 75% वहाँ से आ रहे हैं काफ़ी कुछ सीख के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो जाएंगे। अभी महिंद्रा है, दूसरी कंपनियाँ हैं, वो बोलती हैं कि अपने यहाँ प्रायोरिटी देंगे रखेंगे, हर साइड से मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जाने के लिए उनको अच्छा चांसेस है। तो आगे चलने के बाद वो 25% जो फौज में नौकरी कर रहे हैं उनसे जब कंपेरिजन करेंगे तो उनसे ये लोग काफ़ी अच्छे रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्कीम है और भविष्य के लिए भारत के लिए एक अच्छा पहल रहेगी, हर साइड से टेक्निकली या नॉन टेक्निकली काफ़ी अच्छा रहेगा, ये योजना काफ़ी अच्छी है। धन्यवाद।